कुछ लोग कहते हैं कि आपने कुछ ये हॉर्न्स को कुछ करवाया भाई, ये कुछ है कि ये सब नेचुरल है? हम लोग जिस फील्ड में है ना, हम लोग जब भी एनहेंस करेंगे ना अपने फीचर्स को तो डेफिनेटली लोग बात करेंगे, बट आई फील सो गुड दैट एवरीबॉडी टॉक्स अबाउट मी। आप बात करते रहिए, हम काम करते रहेंगे। Run. आपको तो कहना चाहिए था मैं खूबसूरत हूँ। हाँ ऑब्वियसली, और इस वक्त क्योंकि अकरम असलम पहना हुआ है तो इसलिए बहुत ही अकरम असलम नहीं, अकबर असलम है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान अली हमज़ा और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन आज मेरे साथ एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही कामयाब शख्सियत मौजूद हैं। इनको कौन नहीं जानता, आपने देख लिया होगा कि मेरे साथ डॉली मौजूद हैं जिन्होंने टिकटॉक पे बहुत ज़्यादा नाम कमाया और सबसे अच्छी बात यह कि इन्होंने इस नाम को बरकरार रखा। आइए इनसे इनकी लाइफ के बारे में थोड़ा जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक मैम। आपको तो कहना चाहिए बहुत खूबसूरत, आपने बिल्कुल ठीक कह दिया, बहुत प्यारी। और ये प्यार जो है ये सब फैंस की ताकत है जो मुझ तक पहुँचती है, और जितना ही ज़्यादा प्यार करते हैं उतने हम ज़्यादा हसीन लगते हैं। मुझे डॉली मैम ये बताएं कि आपका स्टार्ट किस तरह से हुआ? कुछ लोग आपको सिर्फ ये जानते हैं कि आप टिकटॉक से आपको फेम मिला, लेकिन जहां तक मुझे पता है कि आपका एक सलून है और आप बहुत लंबे अरसे से फैशन के साथ जुड़ी हुई थी, थोड़ा सा अगर आप बताना चाहें। बिल्कुल ऐसा ही है, सैलॉन इज़ माई फर्स्ट लव और तकरीबन 4-5 साल हो गए थे जब मैंने लियो प्रोडक्शन स्टार्ट किया। फिर बहुत बड़े बड़े इवेंट्स करवाए जिसमें पूरे मुल्क के सेलिब्रिटीज़ जो है वो आते थे और फिल्म स्टार्स भी, और सब एक ही प्लेटफॉर्म पर, उनको लोगों को बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट मिलती थी तो वो बहुत अच्छे हिट गए शो। काफ़ी ज़्यादा टैलेंट को इंट्रोड्यूस भी करवाया, न्यू टैलेंट भी आया उस प्लेटफॉर्म पे। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि चलो अब टिकटॉक पे भी देखते हैं, मतलब सैलॉन साथ चल रहा है। एक अवाम के बिहाफ में आपसे एक सवाल करना चाहूँगा, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत हैं, अल्लाह आपको मजीद तरक्कियाँ और हुसन नवाजे। कुछ लोग कहते हैं कि आपने कुछ ये हॉर्न्स को कुछ करवाया भाई, ये कुछ है कि ये सब नेचुरल है? देखिए मेरी बात सुने, हम लोग जिस फील्ड में है ना, हम लोग जब भी एनहेंस करेंगे ना अपने फीचर्स को तो डेफिनेटली लोग बात करेंगे, बट आई फील सो गुड दैट एवरीबॉडी टॉक्स अबाउट मी। आप बात करते रहिए, हम काम करते रहेंगे। ये बताएं कि टिकटॉक से आपके फेम को 4 चांद लग गए, क्या कहेंगे? हाँ ऐसा ही है, बिल्कुल लोगों ने बहुत सराहा क्योंकि वो बहुत अच्छे तरीके से जानते थे, लेकिन जब एक जगह पे मैं उनको नजर आई कुछ न्यू एक्टिविटीज़ के साथ तो उन्हें बहुत अट्रैक्ट किया, एंड स्पेशली माई ड्रेसिंग, द वे आई कैरी, मतलब बहुत मैटर करता है इस चीज़ को, बहुत डिफरेंट लगी लोगों को, एंड माय हेयर जो सबसे अलग थे, तो ये चीज़ें जो इन्होंने बहुत हाईलाइट किया। मैं मुझे ये बताएं कि यहाँ पे बहुत से टिकटॉकर्स आते हैं, उनकी वीडियोस वायरल भी हो जाती हैं, लेकिन उनका जो नाम है कोई 30 दिन 40 दिन 1 माह 2 माह बाद ख़त्म हो जाता है, लेकिन आपने मेरा जहाँ तक ख्याल है कि 3-4 साल से अपना नाम मेंटेन रखा हुआ है, इसके पीछे क्या रहा था? इसके पीछे बहुत मेहनत है, मतलब इस तरह से है कि कोरोना के दिनों में भी और आम डेज में भी हम लोग इस तरह से वीडियोस बनाते हैं जैसे स्कूल जाना होता है, इट्स अ ड्यूटी, और नए कंटेंट पे काम करना और कुछ ना कुछ वेरिएशन लेके आना बहुत ज़रूरी है, तभी आप मेंटेन रख सकते हैं। लेकिन बहुत अच्छा और डिसेंट कंटेंट होना चाहिए उसमें, ये नहीं कि आप किसी को उछाल के हाईलाइट कर रहे हो या गाली ग्लोच कर रहे हो, नेवर। मैंने ये देखा है कि अब जाके टिकटॉक पर कुछ इस तरह के लोग आए हैं जो लोगों को बदनाम करके फेम कमा रहे हैं, क्या कहेंगे उनके बारे में? बस वो ऐसे है कि ऑब्वियसली एक आसान तरीका है कि जब आप किसी को आगे बढ़ता हुआ देखो तो उसको टारगेट बना लो, और जब आप उसको हिट करोगे तो ऑब्वियसली लोग उसको तो जानते हैं तो वो आम बात खास बात हो जाती है, तो इसलिए मेरे साथ भी कई बार हुआ है, तो होता रहता है, चलता है। और आप मुझे बताएं कि और आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? फ्यूचर प्लान्स तो ये हैं, डॉली सिग्नेचर लैशेज अभी मैंने करवाई हैं मार्केट में इंट्रोड्यूस, उस पर काम कर रही हूँ, और इसके अलावा ये कि 1-2 शोज आ रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे, वो करने के लिए जाना है, और मज़ीद कुछ ना कुछ करते ही रहना है भाई। मैम मुझे ये बताएं कि यहाँ पर सोशल मीडिया पे आजकल कुछ लोग हैं जो ख़ास तौर पर आपका नाम लेके आप पर तनकीद करके फेमस हो रहे हैं, कोई वकील साहब हैं, मैं उनको पर्सनली नहीं जानता, लेकिन मैंने देखा वो बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब बातें करके सिर्फ फेम हासिल करना चाह रहे हैं, क्या आप उनको जानती हैं या आपके कोई फ्रेंड है? नहीं बिल्कुल भी नहीं, लोगों से पता चलता है तो मैं कहती हूँ इग्नोर कर दो, क्योंकि ऑब्वियसली जिसके पास कुछ नहीं होता करने को उसके पास कुछ तो होता है ना, तो अल्लाह उनका भला करे अगर उनका इससे नाम बन रहा है और उन्हें लगता है कि उनका ज़मीर मुतमिन है, उन्हें अच्छी नींद आती है, तो उनको डेफिनेटली करना चाहिए, मजीद करना चाहिए, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता और मैं नहीं समझती हूँ कि इससे कभी भी वो कामयाबी हासिल करे। मुझे डॉली मैम ये बताएं कि आपका स्टार्ट किस तरह से हुआ? कुछ लोग आपको सिर्फ ये जानते हैं कि आप टिकटॉक से आपको फेम मिला, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि आपका एक सलून है और आप बहुत लंबे अरसे से फैशन के साथ जुड़ी हुई थी, थोड़ा सा अगर आप बताना चाहें। बिल्कुल ऐसा ही है, सैलॉन इज़ माई फर्स्ट लव और तकरीबन 4-5 साल हो गए थे जब मैंने लियो प्रोडक्शन स्टार्ट किया। फिर बहुत बड़े बड़े इवेंट्स करवाए जिसमें पूरे मुल्क के सेलिब्रिटीज़ जो है वो आते थे और फिल्म स्टार्स भी, और सब एक ही प्लेटफॉर्म पे, उनको लोगों को बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट मिलती थी तो वो बहुत अच्छे हिट गए शो। काफ़ी ज़्यादा टैलेंट को इंट्रोड्यूस भी करवाया, न्यू टैलेंट भी आया उस प्लेटफॉर्म पर। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि चलो अब टिकटॉक पर भी देखते हैं,
मतलब सैलून साथ चल रहा है। एक अवाम के बिहाफ में आपसे एक सवाल करना चाहूँगा, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है, अल्लाह आपको मजीद तरक्कियाँ और हुसन नवाजे। कुछ लोग कहते हैं कि आपने कुछ ये होंट्स को कुछ करवाया भाई, ये कुछ है कि ये सब नेचुरल है? देखिए मेरी बात सुने, हम लोग जिस फील्ड में है ना, हम लोग जब भी एनहेंस करेंगे ना अपने फीचर्स को तो डेफिनेटली लोग बात करेंगे, बट आई फील सो गुड दैट एवरीबडी टॉक्स अबाउट मी। आप बात करते रहिए, हम काम करते रहेंगे। ये बताएं कि टिकटॉक से आपके फेम को चार चांद लग गए, क्या कहेंगे? हाँ ऐसा ही है, बिल्कुल, लोगों ने बहुत सराहा क्योंकि वो बहुत अच्छे तरीके से जानते थे, लेकिन जब एक जगह पे मैं उनको नज़र आई कुछ न्यू एक्टिविटीज़ के साथ तो उन्हें बहुत अट्रैक्ट किया, एंड स्पेशली माई ड्रेसिंग, द वे आई कैरी, मतलब बहुत मैटर करता है इस चीज़ को, बहुत डिफरेंट लगी लोगों को, एंड माई हेयर जो सबसे अलहदा थे, तो ये चीज़ें जो इन्होंने बहुत हाईलाइट। मैम मुझे ये बताएं कि यहाँ पर सोशल मीडिया पे आजकल कुछ लोग हैं जो ख़ास तौर पर आपका नाम लेके आप पर तनकीद करके फेमस हो रहे हैं। कोई वकील साहब हैं, मैं उनको पर्सनली नहीं जानता, लेकिन मैंने देखा वो बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब बातें करके सिर्फ फेम हासिल करना चाह रहे हैं। क्या आप उनको जानती हैं या आपके कोई फ्रेंड हैं? नहीं बिल्कुल भी नहीं, लोगों से पता चलता है तो मैं कहती हूँ इग्नोर कर दो, क्योंकि ऑब्वियसली जिसके पास कुछ नहीं होता करने को उसके पास कुछ तो होता है ना, तो अल्लाह उनका भला करे अगर उनका इससे नाम बन रहा है और उन्हें लगता है कि उनका ज़मीर मुतमिन है, उन्हें अच्छी नींद आती है, तो उनको डेफिनेटली करना चाहिए, मजीद करना चाहिए, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता और मैं नहीं समझती हूँ कि इससे कभी भी वो कामयाबी हासिल करें। जी तो नाज़रीन ये थी डॉली, जिनको आप जानते हैं, हर दिल अजीज़ हैं, टिकटॉक पे बहुत ज़्यादा फेमस हैं। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान अली हमज़ा को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।